गुड मॉर्निंग बच्चों बच्चों आज हम मिशन शिक्षण संवाद के दैनिक पठन पाठन सामग्री के अंतर्गत मेजर शैतान सिंह के बारे में पढ़ेंगे। भीषण सर्दी पड़ रही थी। 5000 मीटर की ऊंचाई पर स्थित रिजांगला पहाड़ी भी उस सर्दी से मानो कांप रही थी। इस भयानक सर्दी में भी मेजर शैतान सिंह अपनी कंपनी के साथ देश की सीमा की रक्षा के लिए डटे हुए थे। 18 नवंबर 1962 को चीन की सेना ने भारी संख्या में इस चौकी पर हमला कर दिया। चीनी सैनिकों के पास बड़ी बड़ी तोपें थीं, वे गोले बरसाते हुए आगे बढ़ने लगे। मेजर शैतान सिंह ने अपनी कंपनी के जवानों के साथ बहादुरी से मुकाबला किया। उन्होंने मोर्चा कमज़ोर नहीं होने दिया। शत्रु सेना को भारी नुकसान हुआ, सैकड़ों चीनी सैनिक हताहत हुए। मेजर शैतान सिंह का शरीर छलनी हो गया था, बाहें बुरी तरह घायल हो चुकी थी, बहुत खून बह रहा था, किंतु वह मोर्चे से हटने को तैयार नहीं थे। उनके साथियों ने कई बार कोशिश की कि उन्हें अस्पताल भेज दे, लेकिन वह अडिग रहे। उन्होंने शत्रुओं से लड़ते हुए वीरगति प्राप्त की। मेजर शैतान सिंह से प्रेरणा पाकर उनकी कंपनी का एक एक जवान अंतिम सांस तक लड़ता रहा। कुमाऊं रेजिमेंट के वीर मेजर शैतान सिंह को इस अटूट साहस के लिए मरणोपरांत परमवीर चक्र प्रदान किया गया। बच्चों आज के लिए बस इतना ही। अगले अंक में हम अगले पाठ के साथ फिर मिलेंगे।